आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी। छोटी मोटी भूख हो या फिर अचानक आपके घर में कोई आ जाए तो किचन के कुछ ही सामानों से बहुत ही टेस्टी डिलीशियस आप नाश्ता बना सकते हैं। बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी और बातों बातों में आप इस नाश्ते को झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। टेस्ट की बात करें, टेस्ट में बहुत ही गजब का टेस्ट मिलेगा आपको। तो हेलो दोस्तों, आपका सुष्मिता चैनल में कहो कैसे हो आप। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है बेसन। तो बड़े कप से 2 कप हमने यहाँ पे बेसन लिया है। 1 कप हम लेंगे दही। जितना आप बेसन ले रहे हैं ना, उसकी आधा आपको दही लेना है। बेसन वाले कप से 1 कप हम डाल देंगे पानी। पहले आप थोड़ा पानी डालिए, फिर अच्छे से मिला लीजिए, फिर ज़रूरत के हिसाब से हम पानी का यूज करेंगे। 1 कप पानी डालकर हमने बेसन को अच्छे से मिला लिया है। आप देख सकते हैं बेसन में गाँठी बिल्कुल नहीं है, बेसन अच्छे से दही और पानी के साथ मिक्स हो चुकी है। अब बेसन का हमने चिकना घोल बना लिया है। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देना है। 1 कप पानी डाल देंगे, अगर ज़्यादा गाढ़ी लगेगी तो आधा कप हम पानी और डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने बेसन घोल बनाकर रेडी कर लिया है। घोल आपको पतला ही रखना है। 1/2 चम्मच यहाँ पर हमने चीनी डाल दिया, क्योंकि नाश्ता हम खट्टा मीठा बना रहे हैं तो दही खट्टी थी, 1/2 चम्मच उसके हिसाब से हमने चीनी का यूज किया। स्वाद के हिसाब से हमने नमक ऐड किया है। अब आपको 1/2 चम्मच से भी कम यानी 2 से 3 चुटकी हल्दी पाउडर डाल देना। हल्दी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का सा कलर आ जाए इतना ही हल्दी डालिएगा। हल्दी डाल दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए। साथ में हमने डाल दिया है 1 चुटकी हींग। हींग आपको ज़रूर ऐड करना है, अच्छे से मिला दीजिए। तो हम सारी चीज़ों को डालते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। तीखापन देने के लिए यहाँ पर हम डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को आपको एकदम बारीक कट करके डालना है। जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च डाल दीजिएगा। तो घोल को हमने रेडी कर लिया। फिर इधर हमने गैस चलाकर कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया। तेल आपको ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 ही चम्मच तेल लेना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो बेसन का घोल कढ़ाई में डाल दीजिए। घोल डालने के बाद सबसे पहले गैस को मीडियम कर देना है और लगातार चलाते हुए हमें बेसन के घोल को हलवे की तरह पकाकर हल्का सा गाढ़ा करना है। जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं दिखानी है, यानी गैस को तेज़ नहीं रखिएगा। अगर आपने गैस को तेज़ कर दिया, हाई फ्लेम पे आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो बेसन में कच्चापन रहेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं लगातार चला रहे हैं और बेसन के घोल को अच्छे से मिला रहे हैं कि बेसन के घोल में लम्स ना रहें, गाँटे ना रहें। और इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जैसे ही गाढ़ी हो तुरंत आप गैस को बंद कर दीजिएगा। अब इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। आप देख रहे हैं हलवे की तरह हमने पका कर रेडी कर लिया। अब ये कढ़ाई से चिपक रही थी, यहाँ पर हम डाल देंगे 1/2 चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर 1/2 चम्मच देसी घी। तेल की जो भी लें मिलाकर गैस को बंद कर दीजिएगा। थाली को हमने पहले से ग्रीस कर लिया था। थाली को आपको पहले से रेडी करना है ग्रीस करके। गर्मा गर्म नाश्ते को थाली में फैला दीजिए। इस प्रोसेस को आपको थोड़ा सा जल्दी करना है, क्योंकि जो बेसन का नाश्ता है ना बहुत ही जल्दी सेट होती है, इसलिए इसे थोड़ा सा जल्दी फैलाइए। अगर चम्मच से चिपक रही है, चम्मच में आप हल्का सा तेल लगा लीजिए, ऊपर से भी चिकना कर लीजिएगा और किनारे से भी चिकना कर लीजिएगा। जल्दी से गर्मा गर्म आप इसे फैला दीजिए। तो यहाँ पर चम्मच से भी किनारे से चिकना करेंगे, इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तब आपको कट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने नाश्ते को ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। 15 मिनट बाद नाश्ता ठंडी हो गई, तो इसे हम कट कर रहे हैं। तो पहले हम लंबे साइज में कट करेंगे। आपको जैसा कट करना हो, छोटा बड़ा आप कट कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए सारी भी दूर हो जाएगी जब आप इसे खाओगे। बहुत ही खट्टी मीठी टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाए, कुछ नहीं आपके घर में, तो सिर्फ बेसन और दही से आप इस नाश्ते को बहुत ही जल्दी बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप दही की जगह मट्ठा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब मट्ठा लें तो पानी का यूज आप कम करें। तो आप देख रहे हैं नाश्ता अच्छे से पकी हुई है। अब हम करते हैं नाश्ता को हल्का सा फ्राई। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई को गर्म किया, 1 चम्मच तेल डाल दिया। तेल गर्म हो गई तो 1/2 चम्मच हमने जीरा ऐड किया। 1 चम्मच हमने सफ़ेद तिल डाल दिया। तिल डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। 1/2 चम्मच हमने डाल दिया है राई। 7 से 8 करी पत्ता था जिसे हमने मीडियम साइज में कट करके डाल दिया। तड़का को करना हमें हल्का सा लाल दे, तड़का लाल हो जाए तब बेसन के नाश्ता को डाल दीजिए। फिर ऊपर से डाल दीजिए 1/2 चम्मच चाट मसाला। हल्का तीखापन देने के लिए यहाँ पर हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन अदरक खाते हैं, तड़के में आप लहसुन अदरक को बारीक चॉप करके या फिर पेस्ट बना के डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए।
तो तड़का के साथ हमें नाश्ता को ज़्यादा नहीं फ्राई करना, ज़्यादा नहीं भूनना है। बस तड़का के साथ जब नाश्ता मिक्स हो जाए तो गैस को आपको कर देना बंद, क्योंकि हमने नाश्ता को ऑलरेडी अच्छे से पका कर रेडी कर लिया है। अब ऊपर से डाल दीजिए धनिया पत्ती। अगर आपके पास ताज़े नारियल हैं, ताज़े नारियल को बारीक कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। नाश्ता बन चुकी है बेसन का, इसे निकालते हैं प्लेट में और आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं ना कितनी स्पंजी बनी है। तेल के यूज हमने बहुत ही कम किया है, लेकिन मैंने टेस्ट में भी उतनी औसम है, डिलीशियस है। कट करके दिखा रहे हैं, अच्छे से पकी हुई है। तो आप इसे हरी चटनी के साथ या फिर हरी मिर्च के साथ जैसे आपको अच्छी लगे, यहाँ तक कि चाय के साथ भी ले सकते हैं। बनाना भी एकदम सिंपल है, सरल है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और प्यारे प्यारे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।